हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं मेरा न्यू चैनल हमाद इन कोरिया। तो दोस्तों, आज मंडे का दिन है, वर्किंग डे है, सारे लोगों की फैक्ट्रियां ओपन है, लेकिन हमारी फैक्ट्री में आज छुट्टी है, क्योंकि जो है 6 तारीख को रेड कैलेंडर था, उन्होंने क्या किया कि सैटरडे संडे के साथ मंडे को भी शामिल करके तो 3 छुट्टियाँ दे दी हैं। तो एक छोटा सा काम था मेरा, दोस्त ने बताया था लाइसेंस के सिलसिले में, तो उसके सिलसिले में मैं अभी जा रहा हूँ दूसरे सिटी में। आपको रास्ते का व्यू भी दिखाता हूँ, और दूसरा ये कि अगर वो काम हो गया तो मैं आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि इसका क्या प्रोसेस है और ये कितना इजी है, और आप दोस्त भी कर सकते हो जिन्होंने गाड़ी रखी हुई है कोरिया में, जिनके पास लाइसेंस है। तो ये देखें आप, ये पीछे फैक्ट्री है, एक वो वाली भी ओपन है, ये भी ओपन है, और ये जो बिल्कुल मेरे सामने है वो आपको बक्स नज़र आ रहे हैं पीछे, ये वाली फैक्ट्री भी ओपन है। लेकिन हमारी फैक्ट्री जो है वो आप देख सकते हैं टोटली आज बंद है, सब वर्कर्स को छुट्टी है, एक वर्कर भी नहीं आया हुआ। तो कल से ड्यूटी जो है वो स्टार्ट होगी। तो चले मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, मेरे साथ फिलिपीन का दोस्त भी है, उसको मैंने बोला कि चलो आप मेरे साथ, क्योंकि वो ड्राइविंग जो है कर लेता है, उसके पास भी लाइसेंस है, वो कह रहा था मैं भी करवा लूँगा। तो गाड़ी अभी आ गई है, मैंने दोस्त को बोला कि आप ड्राइव करो ज़रा, मैं साथ बैठ के वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको रास्ते में अभी दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम अभी, ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, ये हमारी फैक्ट्री के साथ ही जो है वो खेत है, अभी ये इन्होंने धान की फसल लगा रहे हैं, लगा दी है, बल्कि ये साथ में जो गाय का बाड़ा है, गोश्त वाली गाय है, हमने दूध का पता किया था, लेकिन वो कहते हैं हम गोश्त सेल करते हैं, हमारे पास जो है वो दूध नहीं है, ये गाय जो है वो गोश्त वाली हैं, हम इनको बड़ा करके तो इसका जो है वो सिर्फ गोश्त सेल करते हैं, लोग इनसे ले जाते हैं, और फिर ये उसका बहुत महंगी थी, ये तो तकरीबन 1 करोड़ पाउंड की गाय बता रहे थे, 80 लाख की, 90 लाख की। मैंने कहा ये तो फिर पाकिस्तान में सस्ती है यहाँ की निस्बत। तो अभी हम निकल चुके हैं, 42 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मैंने कहा कोरिया में आपको खेत भी दिखा दें। हवा चल रही है बड़ी ज़बरदस्त, धूप तो है लेकिन हवा बड़ी ज़बरदस्त है, तो आप साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों आज मंडे का दिन है, जिसकी वजह से ना रश ज़रा भी नहीं नज़र आ रहा सड़कों पे, नहीं तो अगर वीकेंड होता या कोई रेड डे होता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। आज वर्किंग डे होने की वजह से सारे लोग जो हैं वो काम पे हैं, ये वही गाड़ियाँ नज़र आएंगी जो काम के सिलसिले में आगे पीछे निकल रही हैं। ये पास हमारे एक सिटी है, अक्सर हम अगर जाते हैं बाज़ार में तो यहाँ से गुज़र के ही जाना होता है। ये अभी मैं सेंटर है, जो लोग कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं वो भी इसके साइड में ही है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर का फासला होगा। तो अक्सर मैं भी कभी इधर पढ़ा करता था, 4th मेरा जो लेवल था वो मैंने यहीं से कंप्लीट किया था सावे थोंगम का, तो 5वें के लिए फिर मैं पुसान चला गया था, वहाँ जाके किया था। सर मैं अभी 12 से 1 बजे का अगर टाइम है, तो लोग जो हैं वो कर रहे हैं खाना खाने के लिए आए हुए हैं, रेस्टोरेंट पे काफ़ी ज़्यादा रश मैं देख रहा हूँ, इर्द गिर्द लोग निकल रहे हैं। ये जी यहाँ 30 का कैमरा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्कूल है पास है, तो स्कूल के करीब से आपको 30 से ऊपर अगर आप स्पीड करोगे तो आपको जुर्माना होगा, शिमानन के राउंड अबाउट होता है, तो पाकिस्तानी तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए दोस्त यहाँ से जब भी गुजरे तो वो एहतियात से कीजिए, 30 से कम होनी चाहिए आपकी स्पीड। दोस्तों अभी हम मेन रोड पे आ गए हैं, आप रश भी देख रहे हैं, गाड़ियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं,
एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगे, देखें आप, मतलब कि जहाँ भी इनके पास थोड़ी सी भी जगह बचती है तो ये वहाँ पे ना दरख्त लगा देते हैं। कितना ज़बरदस्त व्यू है साइडों में, आप फ्रेश एयर जो है वो ले सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है कोरिया। इसी तरह फैक्ट्री में थोड़ी सी भी जगह हो ना, मैं आपको दिखाऊंगा कभी अपनी फैक्ट्री में, कि उन्होंने ना, वो औरत है हमारी फैक्ट्री में काम करती है, तो उसने कोशिश की है कि वहाँ मिर्चें लगा दी हैं, पुदीना लगा दिया हुआ है, और इसी तरह जो है ना वो सैलड के पत्ते लगा दिए हैं उसने। तो ये थोड़ी सी भी जगह हो ना इनके पास, तो ये वहाँ पे भी जो है ना उसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। हमारी तरह नहीं है पाकिस्तान में कि जनाब इतने इतने बड़े घर बना दिए और जगह वैसे ही छोड़ी हुई हैं, गंद फेंक रहे हैं लोग, ऐसा इधर नहीं है। ये जगह का पूरा इस्तेमाल करते हैं। हम कभी कभी दोस्त आपस में बात करते हैं कि अगर इनके पास हमारे मुल्क की तरह अगर जगह होती, ज़मीन होती, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए, ये तो हर चीज़ ही यहाँ पैदा कर लेते। अभी ये तकरीबन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं खाने पीने की, ये बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो इस बारे में भी हम काफ़ी ज़्यादा कभी दोस्तों के साथ बात करते हैं। बहुत मेहनती कौम है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं ये, जिसकी वजह से फिर बेशक ये काफिर भी हैं, अल्लाह पाक फिर मेहनत करने वालों को, मेहनत तो नहीं रखता, उनको देता ही है। मेहनत करने वाली कौम है बहुत ज़्यादा, इनके 70-80 साल के भी जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और ये आपको मैं बताऊं कि कोरिया जो है बेसिकली ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ ही थे सारे, इन्होंने पहाड़ ही काट काट के, समंदर था, समंदर को मेरिप करके, यानी कि मेरिप का मतलब होता है कोरियन लैंग्वेज में कि आप जो है ना भर के उसको पहाड़ तोड़ते हैं और वो समंदर में फेंकते हैं। तो फिर जो है ना वहाँ भी इन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, कई ऐसे एरिए हैं जहाँ के उन्होंने फैक्ट्रियाँ बना ली हुई हैं पहाड़ तोड़ तोड़ के और समंदर को मेरिप कर करके, यानी कि भराई करके अपार्टमेंट बनाए हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये मेहनत करने वाली कौम है, टैक्स लगाते हैं अपनी ये आवाम के ऊपर, उनको फ़ायदा देते हैं। अगर टैक्स लेते हैं जैसे हर पाकिस्तानी अभी अपनी सैलरी में से 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार टैक्स देता है, जितनी ज़्यादा सैलरी होती जाएगी आप उतना ज़्यादा टैक्स देंगे, तो उसी तरह फिर ये आवाम को उसका बेनिफिट भी देते हैं, बड़े फ़ायदे भी जो हैं वो देते हैं अपनी आवाम को। तो ऐसा ही होना चाहिए कि टैक्स भी हर बंदा दे अपना अच्छे तरीके के साथ। जैसे अब कोई मुश्किल वक़्त आ जाता है, मतलब कि कोई मुल्क में जैसे कोरोना आ गया था या बुरे हालात हो जाएं, तो फिर ये अपनी जो होती है आवाम उनको फ़ायदा भी देते हैं। हर बंदे को इन्होंने पैसे भी दिए थे, उनके अकाउंट में फेंके थे कि भाई आप एक महीना बाहर नहीं निकले हो, तो इन्होंने उनको पैसे भेजे थे हर बंदे को, यहाँ तक कि इन्होंने फॉरनर्स को भी दिए थे जो जिन्होंने बिज़नेस किया हुआ था और उनके होटल वगैरह जो नेशनल थे, तो उनको भी इन्होंने अच्छे खासे पैसे दिए थे कि उनका कारोबार में नुकसान हुआ, क्योंकि लोग तो बाहर निकलते ही नहीं थे, इस वजह से फिर ये उनको भी पैसे दे रहे थे। तो दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं, 13 किलोमीटर रह गया, सिटी में एंटर होने लगे हैं थोड़ी देर तक। सिटी का नाम है जी अनसान, इधर हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो लाइसेंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, या आप लाइसेंस लेना चाहते हैं ट्राई दे के या पेपर दे के, जो फिलगीशियम होता है उसके बाद खीनंगशियम फिर थोरो चूहे, ये सारे जो आपने करने हैं, तो आपको हमारे जो हवासों वाले दोस्त हैं उनको इधर ही आना होता है। अगर आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हैं वो तो अलहदा बात है, अगर आपने ख़ुद से करना है तो आपको इधर ही आना पड़ेगा। तो अनसन में आ गए हैं, कभी काम किया था मैंने इधर 3 साल 2.5 से 3 साल, जब मैं पहली दफ़ा कोरिया आया था तो मैंने अनसन में ही काम किया था। तो आज फिर काफ़ी देर के बाद इधर आना हुआ है किसी काम की वजह से, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। क्योंकि जब भी बंदा कोरिया में आता है पहली दफ़ा, तो वो वाला एरिया जो होता है उसको नहीं भूलता, चाहे जो कुछ भी मर्जी हो जाए वो बंदा नहीं भूलता पहली फैक्ट्री जो होती है ना। क्योंकि मालिक जो होता है उसने बताया होता है कि उसने बुलाया होता है हमें, मैंने सुना था कुछ दिन पहले मेरी दोस्त से मुलाकात हुई कि जिस मालिक ने मुझे बताया था वो 2-3 महीने पहले उसकी डेथ हो गई है, कैंसर था उसको, हमारे होते हुए भी एक दफ़ा कैंसर था, तो अभी भी सुनने में आया है कि वो अभी मर चुका है।
स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करता था पहले भी, उसको डॉक्टरों ने मना किया था लेकिन सुना है कि उसने फिर से स्टार्ट कर दी हुई थी, तो आखिरकार उसकी डेथ हो गई है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इधर, लेकिन काम नहीं हो सका। वो कहते हैं कि अगर आपने इंटरनेशनल लाइसेंस लेना है, मैं आपको बता दूं कि मैंने सोचा था कि जो है ना इंटरनेशनल लाइसेंस अपना चेंज करूंगा। वो कहते हैं कि अगर एक साल से ज़्यादा आपका अरसा हो जाए लाइसेंस लिए हुए तो ऑटोमेटिक आप जाके उनको कहें तो वो लाइसेंस जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपका लाइसेंस तो चेंज हो सकता है लेकिन उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट और आपका लाइसेंस। लेकिन मेरे पास पासपोर्ट मुझे लाने का याद नहीं रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप जो है तो फिर आइएगा अपना पासपोर्ट लेके, तो फिर ही आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये देखें लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ये सारे फॉरनर कोरियन बैठे हुए हैं, ये सारे लाइसेंस लेने के लिए आए हुए हैं। वो आपको पीछे स्कूल नज़र आ रहा है, इधर वो ट्राई वगैरह लेते हैं, ये इधर सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं। तो आज तो नहीं हो सका, लेकिन रास्ते में एक काम हो गया कि एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो उसके ऊपर अभी मैं बाद में आपको वीडियो में बताऊँगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो उन्होंने मुझे उसके बदले में गाड़ी दी है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम आ रहे थे हाईवे पे, जब मैं वीडियो बना रहा था तो हमारे आगे यकदम से एक बंदे ने ब्रेक लगाई है, हमने तो अपनी गाड़ी कंट्रोल कर ली, जो मेरा दोस्त था साथ चला रहा था, लेकिन जो पीछे वाला था उसने हमें मारी है, फिर उसके पीछे जो था उसने उसको मारी है, 3-4 गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या सूरत हाल हुई यार, क्या तरीका कार है, अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है वो वीडियो व्लॉग जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।